आजो आजो ले आओ। उधर छाँव में खड़ा कर। आगे ले जाओ। माशाल्लाह। थोड़ा सा आगे कर ले, पौधा जाएगा वरना। उधर से घुमा के उधर ले आओ साइड पे। चंद भी थोड़ी सी वॉक ओवर करवा लें इसकी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, और यहीं से घुमा लें चले। इधर को मेरी तरफ आने दें, गर्दन उठा के इसको खड़ा होने दें यहाँ पे। बस यहाँ पे दो सेकेंड। इधर देखो भाई, पकड़ा चलना जरा निशान भाई। इधर देखना, माशाल्लाह जी आए जी। सेकंड बुल दिखाते हैं और फिर हम भाई जान इसको पलटा के दिल। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? कैसे हो आप? सुनाओ माशाल्लाह से। इधर सामने आओ जरा और मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह ये दो जानवर कहाँ से पसंद किए और कहाँ से? ये हमेशा की तरह थिएटर के फार्म से किए हैं। जबरदस्त। और एक ब्राह्मण और एक गुलाबी। हाँ जी। ये इस दफा क्या हुआ है? इस दफा वैसे ब्राह्मण का भी शौक करना था। वैसे पिंक नोज का तो पहले से शौक था। हाँ। और ब्राह्मण के साथ शौक चढ़ा है तो इंशाल्लाह पूरा किया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ब्राह्मण भी मेरा ख्याल है बट साहब का सबसे बेहतरीन वाला ब्राह्मण आया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसकी उठान चेक करें। इब्राहिम जरा साथ खड़े हो, जरा पकड़ो इसकी नथ जरा। वैसे ये इसी वक्त टेंशन में आया मेरा ख्याल है जब ये चीज़ें जरा डाली हैं। पहले सही था? हाँ जी पहले बिल्कुल। तो इब्राहिम ये कितने दांत में है? ये टू टीथ है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त, टू टीथ में है। और इब्राहिम ये बताओ कि इस साल काफ़ी इधर उधर फार्म्स वगैरह भी विजिट किए, क्या हुआ फिर कि वापस थिएटर पे गए? थिएटर की फलाई नस्ल का जवाब नहीं है माशाल्लाह। यानी कि हमेशा हर वक्त इनके जानवर जो इनकी कलेक्शन है उसमें हमेशा दिल आ जाता है। तो माशाल्लाह हर हमेशा की तरह इसलिए थिएटर से गए। ये माशाल्लाह से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि आप फेस ब्यूटी देखें, कानों की ब्यूटी देखें इसकी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है बट साहब की पलाई में वो है कि पूरे हड पैर चौड़े होते हैं जानवर के। ये नहीं कि कहीं से कम हो, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वजन तो चढ़ा देते हैं है इब्राहिम, लेकिन हड पैर जो है ना, पैर जो है वो छोटे छोटे से पते पते से होते हैं और जानवर चल फिर ही नहीं पाता जी। तो वो बड़ी अजीब सी एक चीज़ लगती है। तो इस दफ़ा माशाल्लाह दो बछड़े और कैमल्स कितने? थ्री, हमेशा की तरह थ्री कैमल्स। और बकरे कितने हो गए टोटल? कल रात को भी लाए वो भी 14-15 है। कल रात दो लाए, वो बरकी रोड वाली मंडी से खरीदे हैं। कैसी थी मंडी? मंडी तेज थी, तेज थी। बकरों की तो मंडी बहुत तेज है। हां हां। तो बछड़ों की इस साल फिर भी मुनासिब थी मेरे साथ। हां हां। और ऊंटों की भी तेज थी। सही। तो माशाल्लाह से ये जी इब्राहिम के बछड़े और क्या नाम है, ये ब्राह्मण है और पीछे वाला है जी गुलाबी में नुकरा और क्रॉस है, मतलब नुकरा क्रॉस। तो इब्राहिम अब आप इधर आओ मेरा ख्याल है। और ये चोलिस्तानी ब्राह्मण है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि चोलिस्तानी इसका ये सारा जितना है, लेकिन ज़्यादा ब्राह्मण है, मतलब हर चीज़ इसकी ब्राह्मण के अंदर है। पुट से आप लोगों को दिखाऊँ, वैसे तो आप लोग देख चुके होंगे बकरा मंडी पाकिस्तान पर थिएटर कैटल फार्म की वीडियो, उसमें भी ये था। और माशाल्लाह पुट चेक करो किस कदर कमाल है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसकी चोलिस्तानी की वजह से ये चीज़ जो है वो फुल भरी हुई है ये। और कोहान माशाल्लाह आप चेक करो किस कदर हैवी है, और पुट चेक करो कि किस कदर हैवी है माशाल्लाह।
तो ये बताओ कि और भी थे ब्राह्मण जी, वो नहीं समझ आए क्या हुआ? नहीं, ये दिल पे लग गया था ब्राह्मण। एक तो इसकी शराफत, इतना इतना ब्राह्मण मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतना बड़ा लगा। अभी तो माशाल्लाह आप छोटे से, अभी लाइफ अभी तो बड़ी चीजें देखनी है। तो अच्छा ये बताओ कराची जाने का भी कभी मूड है कि नहीं? कराची इंशाल्लाह जाएंगे अगले साल। अगले साल उम्मीद तो बड़ी है। मेरे साथ ही जाना फिर जरूर। इब्राहिम इधर देखना माशाल्लाह, बस इधर नहीं जी माशाल्लाह। इब्राहिम का बछड़ा ब्राह्मण आप लोगों ने देखा है। अब चलते हैं हम गुलाबी की तरफ। ये ट्रक वगैरह से बहुत डर है, पकड़ लो। चले आए इब्राहिम इधर आए, ये इसको पकड़ने का। नहीं जी माशाल्लाह से ये है जी गुलाबी। तो इब्राहिम इसके बारे में खुद ही बताओ आप सारे कुछ। ये इसको वैसे कजला नस्ल का कहते हैं, गुलाबी नाक में पिंक नोज पर, और बस पलाई आपके सामने है, बाकी कुछ नहीं। पलाई तो माशाल्लाह बड़ साहब की मैंने दिखाई ही है, और बहुत सारे यकीन करो इतने ज़्यादा लोगों की मुझे कॉल्स थी और सब। अच्छा लोगों ने बड़ साहब का जो बिहेवियर था ना उसके लिए मुझे कॉल्स की हैं कि हमने लिया नहीं बट हमने इतने सवाल किए, रातों को कॉल्स की, लेकिन वो बंदा उसका बिहेवियर कोई रूड नहीं हुआ। तो माशाल्लाह इस चीज़ पर बड़ा लोगों ने सराहा है बड़ साहब को कि बहुत ज़बरदस्त बिहेवियर और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से, और हर चीज़ गाइड करनी, हर चीज़ के बारे में बताना, वीडियोस भेज रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं, हर एक चीज़ की है। और माशाल्लाह इसका ये चेक करो किस कदर है भैया माशाल्लाह। तो ये है जी पलाई, और जिशान भाई और जिशान भाई की टीम की मेहनत, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। तो जिशान भाई जो है टोटल ओवरऑल हर टाइम पर यहीं पर ही हैं। तो जिशान भाई कब जाते हो, ईद पर जाते हो? हाँ जी, करवा के ईद के दूसरे दिन। ईद के दूसरे दिन। तो अब ये बछड़े जो हैं इब्राहिम को कब होंगे? बछड़े इंशाल्लाह सेकंड डे हमेशा के। और कैमल्स? कैमल्स फर्स्ट डे। ठीक हो गया। इब्राहिम जो है बेसिकली हमारे बकरावंडी पाकिस्तान की शान है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 5.4 मिलियन व्यूज़ फर्स्ट बछड़ों की जो वीडियो की थी उसके, और हाईएस्ट व्यूज़ हमारे वही हैं। और माशाल्लाह से इब्राहिम ने जो है वो मतलब बुलाया मुझे यहाँ पे, वीडियो बनवाई, और उसके बाद मतलब जो चाहत और जो सारी माशाल्लाह, ये चीज़ खड़ा होता है ना कमाल लगता है यहाँ पे माशाल्लाह। ये इसका हुसन है माशाल्लाह, कमाल कर देता है। अल्लाह ताला ने बड़ी इसको जो है ना इस चीज़ का हुसन नवाजा है कि अपनी उसमें खड़ा होता है ना चाल में, सही मज़ेदार किस्म का पोज देता है माशाल्लाह। कह रहे हैं जी इब्राहिम का ब्राह्मण बछड़ा, और आप लोगों को ये बता दूं कि ये आया जी थिएटर कैटल फार्म से, जो कि माशाल्लाह अब गेट क्लोज हो चुके हैं, सब कुछ फिनिश हो चुका है। इवन यहाँ पे ये भी अनाउंस कर देता हूँ कि बादशाह भी सेल हो के जा चुका है। क्यों दिशांत भाई? हाँ जी बादशाह। और बताएं कहाँ गया? सियालकोट। और लेकर कौन गया? फरूख भाई लेकर गए हैं जी, और आप लोग सारे जानते हैं शौकीन बंदे हैं, जो आप लोग बकरा वगैरह बकरा शो में भी नज़र आते हैं, वो लेकर गए हैं फरूख भाई, और उन्होंने माशाल्लाह बादशाह जो है अपने घर की कुर्बानी के लिए लिया है। तो चलें अब थोड़ा सा वाइट वाला जो है वो भी दिखाते हैं। अच्छा तो खान साहब ये कब का आए हुए हैं? ये आए वही कुछ 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए हैं। और माशाल्लाह ये वाला कितने दांत है? दो दांत ये वाला भी जी, दो दांत। जबरदस्त। और ये बता दूं कि जी इसमें कोड़ सिक्का कोई नहीं है, और अभी हम इनको जो खिलाने पिलाने लगे हैं वो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है। इब्राहिम अपने शौक से माशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें करता है, तो शौक आप लोगों को इस दफ़ा उसका दिखाते भी हैं। पहले किसी साल नहीं दिखाया, हमने कहा ये लगेगा कि भाई हम फेक कर रहे हैं, लेकिन इस साल मैंने कहा नहीं दिखाते हैं, और दिखाते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि इब्राहिम इतना शौक रखता है। नहीं जी इब्राहिम साहब जो है अब इब्राहिम ये बताओ कि क्या हो रहा है?
इसके अंदर दही और ऑयल मिला रहे हैं ताकि इनको ठंडा रख पाए। आपको पता है गर्मी भी कितनी ज्यादा है, बिल्कुल इनको ठंडा रखने के लिए सरसों का ऑयल और दही जो है वो मिक्स करके अब ये मिक्स कर रहे हैं खान साहब, और ये पिलाएंगे हम बोतल से इसको। तो अभी हम देखते हैं, ये जिशांत भाई आप पिलाएंगे, मुरब्बे भी लाए हो, दिखाओ कौन कौन से हैं जी, दिखाते हैं आप। जिशांत भाई ये क्या है जी, सेबों का भी मुरब्बा है और गाजर का भी मुरब्बा है। तो इस दफा जो है सही, यानी कि शौक पूरा हो रहा है इब्राहिम। हाँ जी बिल्कुल, आपके सामने इनके देंगे। चलें जी, ये अब आपके लिए तैयार हो गया ये, और ये देखें जी ये गया इसके मुंह के अंदर, और ये आप लोगों को तेल और घी जो है वो मिक्स करके इसको दे दिया है। अब ये एक तो जानवर की जो शाइन होती है ना, ब्यूटी होती है, वो तेल से बहुत ज़्यादा उभरती है। सारे साल इनको थिएटर पे यही मिले। जाहिर सी बात है भाई, ये खर्चा करके बनते हैं, लोग समझते हैं कि बगैर खर्चे के बन जाते हैं और बगैर उसके किसी मेहनत के बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। चेक करें जी, इब्राहिम जो है अपने बच्चों को तेल और दही जो उनकी खुराक है वही दिलवा रहा है यहाँ पे भी ला के, ये नहीं कि भाई बस। तो बंडा वगैरह भी उधर से ही आया, थिएटर से वगैरह भी थिएटर से आया, बंदे भी थिएटर से आए हैं, और इनका सजावट का सामान भी असद भाई ने दिया। हाँ वो भी असद भाई ने दिया। नहीं असद भाई का माशाल्लाह, मैं सच बात कहूँ कि लोगों ने बड़ी तारीफ की है मेरे, और भी एक और जगह गया है ब्राह्मण, और वो इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो करूँगा। वो चला गया है, क्या नाम है उनका, एक और जो ब्राह्मण था लाल वाला, इधर जॉर्डन, मुझे नहीं पता भाई का नाम लेना है या नहीं लेना है। खैर उनका नाम बिलाल है, और बिलाल भाई जो है बड़े अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे ताल्लुक उनसे हो गया है कि हर साल जो है वो फुल ओवरऑल उनके साथ जो है सारा साल बात होती रहती है। तो इस दफ़ा मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि लंपी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ लंपी की वजह से सिर्फ आपने थिएटर कैटल फार्म से ही लेना है। तो उन्होंने कोई बात नहीं की और डायरेक्ट सिर्फ थिएटर कैटल फार्म से जानवर लिया उन्होंने। दूसरे वाले को चलें। अच्छा इब्राहिम ये क्यों उतरवा दिया सारा कुछ? हमने प्योरिटी और इसकी नस्ल के बारे में बताने के लिए सब कुछ उतरवाया। माशाल्लाह कान चेक करें, कान माशाल्लाह बहुत लेंथ में है, बहुत ज़्यादा लेंथ में है, मतलब इतने इतने लेंथी कान नहीं देखे मैंने आज तक। अच्छा ये बड़ साहब के फार्म पे सिर्फ ये अकेला ही था जिसके कान इतने लंबे थे जी। मतलब और भी ब्राह्मण थे लेकिन इतने लंबा कान जो है ना वो किसी का नहीं था। और फेस ब्यूटी भी, फेस ब्यूटी भी, मतलब जो माथे का उभार है ना, जो ऊपर स्ट्रॉन्गनेस है वो और औरों में नहीं था। ऊपर से इसके पांव भी देखे हट पे, पांव माशाल्लाह इसके बहुत हैवी है। मैं वही आपको पहले कहा था ना कि मुझे इसका जो है ना सही जो पैरों की जो है वो बड़ा जबरदस्त लगा। और पलाई का भी अंदाजा यहां से लगा सकते हैं, नेक की पलाई सही माशाल्लाह। तो इब्राहिम ये बताओ कि ये बाकी भी देखे थे यही दिल को लगा था क्या? ये जब आया था ना फार्म पे तब भी दिल में लग गया था ये, और उम्मीद इतनी नहीं थी कि ये मेरा ख्याल जब आए थे तब भी बट साहब ने तुम्हें दिखाए थे, तुमने मुझे बताया था असद भाई के फार्म पे, और ये खीरा आया था बच्चा 5 मंथ का, सही माशाल्लाह 2 teeth है, सही माशाल्लाह। चलें जी ये इब्राहिम का शौक चेक कर लें जी, इब्राहिम साहब जो है ना फुल इधर देखना जरा इसके साथ जरा, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया इब्राहिम, बहुत प्यारी पिक्चर आई है आपकी इसके साथ। चले अब उसको पिलाते हैं, बल्कि पिला रहे हैं, आगे आ जाओ आप, ये तरह पकड़ो ये वाला बछड़ा पकड़ो, ये जी इसको पिला रहे हैं, वो बछड़ा पकड़ना है यार जाकर, ये इस बच्चे से पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा तो माशाल्लाह से ये जी अब लास्ट बोतल इसको पिला रहे हैं, इतनी देर हम उधर बातें कर रहे थे यार सारी इधर पिला दी हैं। तो इब्राहिम ये रोज़ की एक्टिविटी है या क्या? इनकी हर रोज़ की, एक दिन छोड़ के एक दिन की एक्टिविटी है, मतलब इनके हर रोज़ की एक्टिविटी है, और ऊपर से ये कोई थर्सडे को आए हैं और इनकी डेली रूटीन है।
अच्छा थर्सडे को लेकर आए हो। अच्छा डील तो पहले हो गई थी। हाँ जी डील तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन थर्सडे को यानी कि ये लेकर आए हो। अच्छा ये उसी दिन लेकर आया जिस दिन मैंने आपने मुझे कहा कि मैं लेने जा रहा हूँ, मैं कैमल की वीडियो बनाने जा रहा था। हाँ जी चले अजान के बाद बात करते हैं। नहीं जी माशाल्लाह पहले आप लोगों को इस पे हाथ रखे। इब्राहिम आप हाथ रखो, इब्राहिम का चेक करें जी। माशाल्लाह इब्राहिम ने हाथ रखा तो ये किस कदर चौड़ा दुम वाला पुट्ठा कितना चौड़ा है। और माशाल्लाह ये चेक कर रहे थे। और अभी इसको क्या खिलाने लगे हम? सेब का, सेब का मुरब्बा और उसको खिलाओ। मुरब्बा जी आ गया। तो इब्राहिम ये मुरब्बे भी रोज या एक दिन छोड़ के? पिंक नोज है, फुल पिंक इसकी नोज है। कजले दो आंखों में कजले है, मतलब कि आंखें जो है ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक काजल सा है। तो इब्राहिम ये यही क्यों पसंद आया? कजला था इसलिए पहले भी ब्यूटी, इसकी ब्यूटी इसी तरह के लेकर आए थे। हाँ जी इसकी तो ब्यूटी, एक तो इसकी पिंक नोज, ऊपर से दो आंखों में काजल, इसका छोटा फेस और ऊपर से नाफा झालर आगे, ऊपर से पलाई भी क्रॉस में है लेकिन नाफ झालर इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो इब्राहिम ये बताओ कि इनके नाम क्या रखे हैं? इसका इसका नाम हुसन थिएटर है और उस वाले का बुराक। बुराक और हुसन थिएटर, सही माशाल्लाह। हुसन थिएटर और बुराक, माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो। और इब्राहिम का शौक़ भी देख रहे हो कि इब्राहिम को किस कदर ज़्यादा शौक़ भी है और नाम भी इब्राहिम है। सबसे बड़ी बात यह है। चलें अब उसको खिलाते हैं और फिर हम इनको लेके चलते हैं और फिर कैमस की बारी। नहीं जी इसको कैरेट का मुरब्बा और गाजर, बेसिकली गाजर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा खिला रहे हैं। और ये चलते हैं सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा। और ये मेरा ख्याल है सारे दो दिन के लिए इकट्ठा है। हाँ जी सही, अगले दो दिन इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं ना। फिर वो गाजर का लेंगे, गाजर का, गाजर का। ये चलते हैं इनके अंदर। चार पांच लोग भी आपके इर्द गिर्द जो खड़े हैं ये रखे हैं, ये सारा सारा ये भाईजान का नाम मोहम्मद आसिफ, आसिफ और आमिर डॉक्टर, तैयब तैयब। आप तो लास्ट ईयर मेरी वीडियो में थे, अपने बॉयज हैं, अपने बॉयज हैं। और आपने क्या देखा इसमें, क्या मज़ा आया? मतलब ब्राह्मण ज़्यादा अच्छा लगा या वो वाला? दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद आया। मुझे खुद ब्राह्मण ज़्यादा अच्छा लगता है, साई वाली हो या चोले सानी हो। वेट भी हमने करवाया था, इसका वेट जो था 974 केजी आया, 974 और उसका 865 केजी, 865 व्हिच इज ये है 24 मंथ और वो है 21-22 मंथ। हां सही, दोनों ही धोंदे हैं ना बेसिकली, दोनों ही धोंदे हैं। अभी चलें चलें अब चलते हैं कैमल्स की तरफ, तो इनको लेके चलते हैं। और पीछे से अब आप लोगों को थोड़ा सा और मैं वॉक चाल दिखाना चाहूँगा क्योंकि मुझे इसकी चाल बहुत पसंद है। अभी पहले थोड़ा सा पीछे से चेक करें फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे से मेरी ये इससे डर रहा है, ये देखें किस कदर डर रहा है। वो उधर नहीं जाएगा, वो उधर लेके गया ना, उधर तंग कर रहा। इब्राहिम इधर देखो आप, ओए टेंशन ना सो जरूर उधर। आप निशान भाई एक बार पिक्चर से आपने बाहर आना है, एक बार छोड़ दो छोड़ दो, आ जाओ इब्राहिम कैमरे में। ले जी अब इब्राहिम अब हम क्या दिखाने लगे? अब हम कैमल्स दिखाने लगे हैं, कैमल्स दिखाने लगे हैं। चले आए जी कैमल्स देखें आप लोग, माशाल्लाह जी तीन कैमल्स हैं। चले आए चलाएं जरा आगे आ जाएं। इब्राहिम आप बीच वाला पकड़ लो, आ जाओ जी। माशाल्लाह जी इब्राहिम के थ्री कैमल्स हैं और घर के आगे ले आते हैं या उधर छाँव में ले जाते हैं। माशाल्लाह इब्राहिम के थ्री कैमल्स और इब्राहिम जो है उससे पूछते भी कौन सा इसका फेवरेट है और कौन सा वाला नहीं है।
चला के लेके गए, ये नहीं कि स्लो स्लो लेकर जाते हैं तो ज़रा कैमल्स डरते हैं ना। माशाल्लाह जी फ़र्क देख लें कि बड़ा वाला वाकई बड़ा है और सफ़ेद वाला भी अपनी जगह खूबसूरत है माशाल्लाह। तो इब्राहिम ये कहाँ से आए? ये तीनों शाहपुर कांजरा से। ये सेंटर वाला बकर से। जिला बकर से। और रमजान अच्छा रमजान जानी से आए जिला बकर से। रमजान जानी साहब मैंने वीडियो बनाई है उनकी, तो रमजान जानी साहब का उन्होंने कैमल के साथ एक बंदा भी भेजा है खुद से। जी खुद से माशाल्लाह। तो इब्राहिम आपको सही प्रोटोकॉल मिल रहा है? खाना भी साथ है इनका, सजावट का वगैरह, और बंदा भी इन्होंने साथ भेजा। ठीक हो गया। चले अब ये वाला बताएं जी, ये डॉक्टर साहब वाला जिनसे हम इनको वैसे कहते हैं पठान वाला हूँ। हाँ। ये तौंसा वाले इलाके का, ठीक है। तो वैसे ये सिंधी है। हाँ सिंधी हूँ। ये मड़ेचा जी, मड़ेचा चुलस्तानी मड़ेचा। और ये वाला? ये वाला भी सिंधी है। सिंधी मड़ेचा ही है ना? वो सिंधी है, ये चुलस्तानी है। मड़ेचा चुलस्तानी। ठीक हो गया। तो ये इब्राहिम कितने कितने दांत हैं? ये टू टीथ है सारे। सारे टू टीथ। सारी कुर्बानी माशाल्लाह टू माशाल्लाह। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल ढूंढी है या मिल गई है नसीब से? नसीब से जी माशाल्लाह। चलें अब ये चला के वापस लेके जाते हैं, फिर दिखाते हैं जरा बैग से मोड़ लें जी। इब्राहिम आप चलाओ। ध्यान से इब्राहिम। नहीं जी माशाल्लाह कैमल की कुहान चेक करें, किस कदर भारी कुहान है, बड़े बड़े वार हैं और माशाल्लाह हैवी। और ये इब्राहिम के दोस्तों के दोस्त हैं, उन्होंने भी एक पकड़ लिया है। एक इधर ये दोस्त हैं, उसने पकड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह से तैयार, सिर्फ हमने ये वाला करवाया है क्योंकि ज़रा खूबसूरत लग रहा था ये वाला। साथ साथ चलो, ये वाला तीसरा साथ साथ चलाओ। चलो अभी साथ हो ना, ब्रेक ब्रेक साथ हो। चलो खुद डर भी रहा है, फिर चलाना भी जरूरी है। चले मैं आगे से ही आता हूँ, एक सेकंड मैं आगे से आगे से दिखाते हैं। साथ साथ हो जाओ इब्राहिम, आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ इब्राहिम। तो मुँह करो इब्राहिम, अब ये बताओ कि कैमल्स पहले दिन और बकरे भी सारे पहले। बकरे भी सारे। बकरे टोटल कितने थे? बकरे 15 माशाल्लाह। चले आए हैं, बकरे भी दिखाते हैं आप लोगों को थोड़े थोड़े से। और ये है जी इब्राहिम की कुर्बानी माशाल्लाह, हर साल आप लोगों को डीएचए से दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी माशाल्लाह आते हैं। तो चले अब थोड़ा सा बकरों की तरफ। ओ भाई चले जी, अला हाफिज़ फॉर दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अला हाफिज़। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आदिल चड्ढा साहब की, और बाकी सारी वीडियोस आ चुकी हैं उस्मान भाई की, वो लाजमी देखनी है आप लोगों ने वीडियोस के टाइम में। अला हाफिज़ इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रिया जी, और आप दोनों भाइयों का भी, और ज़िशान भाई का सबसे ज़्यादा। ज़िशान भाई ने इतनी मेहनत की है इस बच्चों में, बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज़।